इस उद्यान के पीछे एक इतिहास है। वह इतिहास क्या है? वहाँ पर मातंग ऋषि विराजमान थे। भयंकर गर्मी का समय था और उस समय लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, तो कोई भी शिष्य उनका लकड़ियाँ लेने के लिए जाना नहीं चाहता था। मातंग ऋषि स्वयं हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ियाँ काटने के लिए चले। 4 महीनों तक लकड़ियों की व्यवस्था करनी थी। जब मातंग ऋषि स्वयं कुल्हाड़ी लेकर के चले तो पीछे पीछे सभी शिष्य भी कुल्हाड़ियाँ लेकर के चलने लगे। लकड़ियाँ काटी, सिर पर गट्ठर बांधे और वे जंगल से अपने आश्रम की ओर आ रहे थे। सुबह उठ करके देखा कि जहाँ जहाँ से मातंग ऋषि गुजरे थे वहाँ पर सुगंधित सुनहरे फूल खिले हुए थे। शबरी ने कहा, श्री राम, ये मातंग ऋषि के पसीने से खिले हुए फूल हैं, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा सुगंध और सौरभ है। मैं आज साध्वी श्री जी का स्वागत कर रही हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं इसलिए स्वागत नहीं कर रही हूँ कि हम पिछले 2 महीने से अणुव्रत भवन में हैं और आप अणुव्रत भवन में पधारे हैं, ये कोई खास बात नहीं है, कभी भी ऐसा हो सकता है। पर मैं आपका स्वागत क्यों कर रही हूँ? मैं आपका स्वागत इसलिए कर रही हूँ, पिछले लंबे समय से आपने दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के भवनों में, दिल्ली के लोगों में जो छाप जमाई है, दिल्ली की सड़कों पर जो पसीना बहाया है, ओम आराम किया है, जो आपकी अनुगूंज हमने 10 किलोमीटर दूर बैठे बैठे सुनी है, आज मैं उनके श्रम का, उनके त्याग का, उनके संयम का अभिनंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। साथ साथ में आप जानते हैं कि 13 पंथ धर्म संघ में भगनी त्रय का एक विशेष महत्व है। साध्वी श्री अणिमा श्री जी, साध्वी श्री सुधा प्रभा जी, साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी भगिनी त्रय हैं और तीनों बड़े संघ प्रभावक हैं। जब भी कोई भाई बहन हमारे पास आते थे, आपके हम समाचार सुनते थे, तो मैं हमेशा बोलती थी कि तीनों का अंदाजा अलग है, तीनों की काम करने की शैली अलग है और तीनों ही बड़े संघ प्रभावक हैं। तो आज हमें गौरव होता है इस प्रकार के साध्वी समाज पर, साध्वी वर्ग पर। साध्वी श्री कर्णिका श्री जी आप ऊपर पधारेंगे तो एक हमने थोड़ा सा लिखा है, वह मैं आपको अभी सुना देती हूँ, क्योंकि आपका नाम ए से शुरू होता है। व्हाट इज योर ग्रुप? आपका ग्रुप क्या है? ए फॉर अट्रैक्शन पावर। के कर्णिका श्री जी काइंडनेस पावर। ओम आराम। सुधा प्रभा जी एस सिंपैथी पावर। ओम आराम। साध्वी श्री समत्व यशा जी एस सिंगिंग पावर। ओम। साध्वी श्री मैत्री प्रभा जी मील कंट्रोलिंग पावर। ओम आराम। इक्वल योर ग्रुप। ओम आराम। तो ये आपका ग्रुप है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आज आप सबको अपने आपके सानिध्य में हमें पा करके। हम आपके पास रहेंगे, हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। मैं लंबा नहीं करूं, भाई बहन को किसी ने नाश्ता भी नहीं किया होगा, साध्वी श्री जी ने भी विहार किया है। मैं बहुत बहुत वंदना करती हूँ और सता।